सभी भाइयों को नमस्कार, ड्रीम शॉट टिप चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, टीम प्रोवाइड कराएंगे जो क्रिकेट के शानदार मुकाबले चल रहे हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का जो आज मुकाबला खेले जाने वाला है, श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसी के बारे में बात करेंगे। पूरी की पूरी प्लेइंग 11 सेट करेंगे और ये जानेंगे किस प्लेयर की परफॉर्मेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी पॉइंट दिलाने के लिए। लेकिन गाइज, अभी तक आपने यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ जाएं। आपको सर्च करना है ड्रीम शॉट टिप्स और डायरेक्टली ज्वाइन हो जाना है यहाँ पर, जिस पे आपको फुटबॉल की, बास्केटबॉल की, हॉकी की, कबड्डी की और क्रिकेट की जो भी आने वाले मैचेस रहेंगे उनके सारे के सारे अपडेट्स रहेंगे। और फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी हम हमारी खुद की एप्लीकेशन और वेबसाइट भी ला रहे हैं, जिससे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो रिटन फॉर्मेट में आपके सामने अवेलेबल रहेगी। उसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू जाकर जो लोग अपनी खुद की टीम से प्ले करते हैं वो ईजिली वहाँ पर अपनी खुद की टीम से प्ले कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है यहाँ पे टेलीग्राम का, तो उससे भी आप वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। और कल वाले जो फुटबॉल की टीम मैंने प्रोवाइड कराई थी और जो मैंने कल आपको यहाँ पर हॉकी की टीम जो प्रोवाइड कराई थी, उसमें अच्छी खासी विनिंग हुई है सबकी। आप लोगों ने मेरे को स्क्रीनशॉट्स शेयर करें, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर करने से काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को वो रहती है कि स्क्रीनशॉट्स जो मैं यहाँ शेयर करता हूँ उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस लोगों के पास में पहुँचते हैं, इसलिए आजकल मैंने यहाँ पर मैसेजेस को थोड़ा सा कम कर दिया है सेंड करना। तो इसी तरीके से हमारे साथ में जुड़े रहे और आप लोगों के स्क्रीनशॉट्स मेरे पास में आते रहेंगे, तो मुझे ये लगता रहेगा कि आप लोगों की अच्छी खासी विनिंग चल रही है। और यहाँ मैं बता दूँ आपको, हॉकी के अभी तक की जो मैंने टीम्स प्रोवाइड कराई हैं यहाँ पर, आपको पूरी की पूरी मैंने आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की लिस्ट और प्लेइंग 11 की लिस्ट मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो आप लोग भी यदि अपनी खुद की टीम बनाते हैं तो यहाँ पर प्लेइंग 11 से चेक कर सकते हैं कि वो प्लेयर खेल रहे हैं या सब्स्टिट्यूट में, उस अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ, इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन से हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प रहेगी उस पूरे स्टेटस को जानकर अपनी खुद की टीम बनाने की, भले ही आपको हॉकी की ज़्यादा नॉलेज हो या नहीं हो। आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के इस मैच के बारे में जो कि खेले जाने वाला है साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच में। देखिए, वेन्यू की जगह की बात करूँ तो रिवर साइड ग्राउंड चेस्टर के अंदर, ली स्ट्रीट के अंदर ये मैच खेले जाने वाला है। और पिच की कंडीशन की बात करें तो पिच जो है वो न्यूट्रल है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों को अच्छा खासा सपोर्ट मिलने की उम्मीद है यहाँ पे, और पेस बॉलर्स को अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ एक बात बता दूँ, अभी तक के जो वर्ल्ड कप के जो मैच हो रहे हैं उनके अंदर यहाँ पर यदि विकेट पेसर्स को सपोर्ट देता है तो यहाँ पर कुछ एक विकेट्स जो है वो स्पिनर्स भी ले जाते हैं। तो मेरी चॉइस ये रहेगी कि जब भी आप बॉलिंग सेक्शन के अंदर सेलेक्शन करें तो भले ही जो विकेट है वो पेसर्स को सपोर्ट देता है, लेकिन एक आध स्पिनर अपनी टीम के अंदर ले लेना, क्योंकि आजकल जो मैच देखे जा रहे हैं उसके अंदर बिल्कुल अपोजिट ट्रैक हो रहा है। बॉलिंग फ्रेंड यदि बॉलिंग को सपोर्ट देता है तो बैटिंग अच्छी चल जाती है, बैटिंग का सपोर्ट देता है तो बॉलिंग अच्छी चल जाती है। ओवरऑल मिला जुला सा एक असर सारे सारे मैचों के अंदर हमारे को देखने को मिल रहा है। प्रोबेबल 11 लिस्ट के अंदर यहाँ पर मैंने मेंशन करे हुए हैं, उनका बैटिंग ऑर्डर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से वो बैटिंग ऑर्डर के अंदर आएंगे। यहाँ पर प्रोबेबल साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स की मैं बात करूँ तो फर्स्ट के अंदर यहाँ पर ओपनिंग करने के लिए हसरिमल्ला और क्विंटन डीकॉक आएंगे। उसके बाद में फर्स्ट डाउन के ऊपर ए मार्क राम, उसके बाद में फैफ ड्यूप्लेसिस आएंगे, आर वेंडर, उसके बाद में नेक्स्ट में जेपी डिमनी आएंगे, उसके बाद में ए फुलेक्वायो, क्रिस मॉरिस, रबाडा, इमरान ताहिर और एल लुंगडी। उसके बाद में श्रीलंका की बात करूँ तो डी करुणा रतन, के परेरा, ए फर्नांडो, के मैंडिस, ए मैथ्यू, डी डिसल्वा, टी परेरा, जे मैंडिस या फिर एम श्रीवर्धन में से कोई भी एक आएगा, आयुधना, एन प्रदीप या फिर एस लाखमल में से एक आएगा। ज़्यादा चांसेस एस लाखमल के यहाँ पर आने के हैं, क्योंकि एस प्रदीप की मैं बात करूँ तो फिटनेस कंडीशन थोड़ी सी सही नहीं है, फ्लू हो रखा है उनको, इस कारण वो यहाँ पर टीम में शामिल जहाँ तक है मुझे नहीं होंगे और उनकी जगह पे एस लाखमल यहाँ पर एंट्री लेंगे। उसके बाद में लसित मलिंगा, और यहाँ आपको बात बता दूँ कि डेविड मिलर जो है वो भी यहाँ पर इस वाले मैच के अंदर हमारे को इंजरी के कारण नहीं दिखाई देंगे, उनकी जगह पे जेपी ड्यूमनी यहाँ पर प्लेइंग 11 के अंदर आते हुए नजर आएंगे। आइए डायरेक्टली एक बार नज़र डाल लेते हैं कि आज की इस टीम के अंदर हम किन किन प्लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे और किस बेसिस के ऊपर उनको सेलेक्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कल वाला जो इंडिया का जो मैच हुआ था उसमें भी आप लोगों की अच्छी खासी विनिंग हुई थी, जो टीम मैंने प्रोवाइड कराई थी, दो टीम मैंने प्रोवाइड कराई थी जिसके अंदर कैप्टन और वाइस कैप्टन के अंदर हमने एक टीम के अंदर हमारी कैप्टन के अंदर विराट कोहली को लिया था और वाइस कैप्टन के अंदर केएल राहुल को लिया था। काफ़ी अच्छी खासी टीम चली थी। और दूसरी वाली टीम के अंदर हमने कैप्टन को रोहित शर्मा को वहाँ पर लिया था, लेकिन रोहित शर्मा को लेने के बाद में भी अच्छी खासी विनिंग उस वाली टीम की भी रही है। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आप अपने जो कैप्टन और वाइस कैप्टन का जो सिलेक्शन है थोड़ा सा डिफरेंट करके यदि चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है
वर्ल्ड कप के अंदर ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि पिछले लास्ट यदि मैं बात करूँ स्टार्टिंग के दो मैच के अंदर रोहित शर्मा ने बहुत अच्छे रन बनाए थे, तो यहाँ पर भी लास्ट वाले मैच के अंदर या ये जो खेले जाने वाला मैच है इसके अंदर भी रोहित शर्मा अच्छे रन बनाएंगे। तो ये चीज़ को थोड़ा सा ट्रैक से उतर कर आप यदि अपनी खुद की टीम लगाते हैं तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी यहाँ पर विनिंग करने की। देखिए यहाँ पे विकेट कीपर के सेक्शन में मैंने के परेरा को लिया है, आप चाहें तो यहाँ पर क्विंटन डीकॉक को भी ले सकते हैं। और ये चीज़ अब मैं डिसाइड करूँगा जिस टाइम पर टॉस हो जाएगा और बैटिंग फर्स्ट किसकी आती है उस बेसिस के ऊपर मैं यहाँ पर डिसाइड करूँगा, तब मैं आपको अपनी फाइनल टीम जो है वो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा। एक बार व्यू कर लेते हैं इस वाली टीम में मैंने किन किन प्लेयर्स को लिया हुआ है। उसके बाद में जो फर्स्ट मेरी चॉइस है बैटिंग सेक्शन के अंदर फैफ ड्यू प्लेसेस को मैंने लिया, उसके बाद में डी करुणरत्न को लिया है, ए मैथ्यू को लिया है, आरविंडर को लिया है। मैंने यहाँ पर आमला को नहीं लिया है, पुराने वाले मैचों के अंदर इतना कोई खास रिकॉर्ड इनका रहा नहीं है, उनसे ज़्यादा बेटर मेरे को रिकॉर्ड यहाँ पर जो है आरविंडर का यहाँ पर लग रहा है, इसलिए मैंने उनको लिया है। एल थ्रिमानी को लिया है और मैं अपनी टीम के अंदर एक थोड़ा सा सेटिंग कर यहाँ पर ए मार्कराम को भी यहाँ पर इनको दूसरी वाली टीम के अंदर भी यहाँ पर जगह दूंगा। उसके बाद में ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूँ तो ए फुलकवायो को लिया है, तराश परेरा को लिया है मैंने यहाँ पर, और बॉलिंग सेक्शन के अंदर मैंने लक्षित मलिंगा को, इमरान ताहिर को और एल नुगड़ी को लिया है मैंने यहाँ पर। और एक टीम के अंदर मैं यहाँ पर टॉस के बाद में ये यदि ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग पहले आ रही है तो यहाँ पर जो मेरी चॉइस रहेगी कि के रबाड़ा को भी मैं यहाँ पर अपनी टीम के अंदर ले लूँगा। एक बार कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऊपर नज़र डाल लेते थे कि कैप्टन सेक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर फैफ ड्यू प्लेसिस को कैप्टन बनाया हुआ है और डी करुणारत्न को मैंने वाइस कैप्टन बनाया हुआ है, आप चाहें तो एल थिरुमानी के साथ में भी यहाँ पे जा सकते हैं। बाकी जो लास्ट मूवमेंट पे जो चेंजेस रहेंगे वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बता दूंगा। और जो लोग ग्रैंड लीग खेलते हैं वहाँ आपको मैं एक बात बता दूँ, ग्रैंड लीग के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन बना के चले और लक्षित मलिंगा को या फिर इमरान ताहिर को यहाँ पर कैप्टन या वाइस कैप्टन के सेक्शन में डाल के चले, और इमरान ताहिर की जगह यदि आप साउथ अफ्रीका के रबाड़ा को लेते हैं तो उनको भी आप वाइस कैप्टन के सेक्शन के अंदर यहाँ पे डाल सकते हैं, अच्छे खासे पॉइंट यहाँ पर इनसे भी मिलने की उम्मीद है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।